चलना इस लॉरल को जल्दी हार्डी बना और अखिल लोखंडे की तरह फिनिशिंग चाहिए। चिपका रहा बराबर, तेरा ध्यान नहीं है। 4,000 की बात हुई थी, ये 2,500 है। हाँ तो तू कौन सा असली में मोटा बना था? ये ले जगताप की बरनी, 16 बना, जा वर्ल्ड रिकॉर्ड, खुश हो जा। तेरे को असली में बहुत चर्बी चढ़ी लेगी, मार डालूंगा तेरे को मैं। क्यों विलन है तू? विलन? अबे खड़े खड़े तमाशा हो जाएगा। क्यों मदारी है तू? मदारी? मैं बोल रहा हूँ मैंने अपने हाथ में चूड़ियां नहीं पहनी है। क्यों विधवा है तू? विधवा? अबे तेरी तो। एक मिनट मेरा फोन बचाओ, पकड़ कर रख इसको। हेलो, हाँ आ रहा हूँ, बोला ना आ रहा हूँ, आ रहा हूँ। अगर मेरे को जाना नहीं होता ना तो अपने पूरे पैसे लेके जाता। अबे जा जा चलना, बहुत जरूरी काम है, नहीं तो तेरे को देख लेता। बात कर रहे जैसे पूरी दुनिया तेरे इशारों पे नाचती है। और आज बोरीवली टीम ने डोंबिवली के लिए 120 रन का टारगेट सेट किया है और क्रीज पे आ चुके हैं डोंबिवली के ओपनिंग बैट्समैन। 1-2 क्या किधर से लाया इसको? बैट में लगा था यार ये तो, बिना फिर वाले को भी LBW दे दे। चल चल सर, बैट पे लगा था। तू ज्यादा मत बोल, तेरे को भी आउट दे दूंगा चुप बैठने का। ये ले तेरे एम्पायरिंग के पैसे। कमाल है अखिल, आज कितनों की उंगली की तूने। हाँ यार अखिल कुछ नहीं यार, दूसरे काम के लिए जल्दी जाना था इसलिए उंगली उठा ली। बहुत उंगली उठा ली बेटा, अब मेरा हाथ उठेगा। क्यों भिखारी है तू? आज तुझे स्ट्रेचर पे लेटा के ही रहूंगा। क्यों कंपाउंडर है तू? आज सबके सामने तेरा कचरा करूंगा। क्यों रद्दी वाला है तू? अब बोल। ये लो एक नोट रख लो। जा अपने दूसरे काम पे। ए पीतल तांबे, क्या नाम है तुम्हारा? जी लोखंडे। जी लोखंडे, ए सुन ले, मेरी बेटी के लिए मुझे वो पति चाहिए जो सिंपति नहीं, मुझे संपत्ति लाकर दे, संपत्ति। नाउ डू यू अंडरस्टैंड? अब अमीर बनने के बाद ही आना। आउट, आउट। नहीं जाऊंगा तो लात मारूंगा। क्यों गधे हैं आप? छठी का दूध याद दिला दूंगा। क्यों दूध वाले हैं आप? एक फटका मारूंगा। क्यों काम वाली बाई हैं आप? अरे ये कितना मुंह फट है। ठीक है, अगर मुंह फटने का इतना ही शौक है तो चल इस अग्नि की कसम खा के बोल कि जब तक तू करोड़पति नहीं बनेगा तब तक तू मेरी बेटी से शादी करने का डिसीजन तू नहीं लेगा। चल कसम खा। अखिल कुछ मत बोलना। पापा, पापा आपका बेटा अनर्थ हो गया, मैं अनाथ हो गया। What's this guy blabbering on about? Please, आप हिंदुस्तानी लगते हैं। मैं हबीबुल्ला शेख, पन्नालाल का खासम खास, उनका वकील। भाई साहब ये कैसे हुआ? जोरी साहब की अंगूठी का हीरा उनके आलू चाट में गिर गया। बस आलू चाटते चाटते वो हीरा चाट गए और देखते ही देखते 2 मिनट में वो निकल गए। नूडल है क्या जो 2 मिनट में निकल गए? तमीज से बात कीजिए, जानते हैं कौन है मेरे? मेरे वालिद हैं, मेरे पापा हैं, मेरे पिताजी हैं। बस अब माल दे दो। हुँ? रुमाल दे दो। आओ। जी आपने क्या सुना? माल जी। पापा ठीक से बोल नहीं पा रहे हो, ये इंसान ठीक से सुन नहीं पा रहा। लाइफ विदाउट यू इज नो फन बिकॉज आई हैव टर्न्ड इनटू एन ऑर्फन। आपकी यादें तो इस बंगले में जुड़ी हुई है ना पापा? बस अब आपकी यादों के सहारे इस बंगले में मैं रहूंगा।
जिस गाड़ी से आप ऑफिस जाते उस लंबी गाड़ी में मैं जाऊंगा। आपकी कंपनी संभालते संभालते आपकी कंपनी ढूंढ लूंगा पापा। क्या है? मैं एक मुख्तलिफ मसले पर आपसे दो मिनट गुफ्तगू करना चाहूंगा। गुफ्तगू? यही है पन्नालाल जौहरी के वारिस, उनके लाडले इकलौते चहीते और बेटे से बढ़कर। लेकिन ये तो कुत्ता है। खुदा के वास्ते इन्हें कुत्ता ना कहिएगा। क्यों? क्योंकि इनका नाम एंटरटेनमेंट है। लेकिन एंटरटेनमेंट क्यों? क्यों क्यों नहीं हो सकता है? यहाँ कबूतर का नाम मसकली हो सकता है, जमीन पर रहकर घोड़े का नाम बादल हो सकता है, आदमी का नाम महिला जयावर्धनी हो सकता है, तो इनका नाम एंटरटेनमेंट क्यों नहीं हो सकता है? हेलो, हे अखिल, मैं जुगनू बोल रहा हूँ। अशोक कुमार लगे ना मेरी आवाज सुन के? अरे मेरे दोस्त, मैं बैंकॉक आ गया हूँ, बैंकॉक। जुगनू, एक स्लमडॉग ही मिलियनेयर बन गया रे। क्या मतलब, क्या बोल रहा है तू? तेरा वारिस फिर से लावारिस हो गया। नहीं, मैं बर्बाद हो गया। नहीं, मेरे 3,000 करोड़ चले गए। फिर से आए रजनी, कांट बिलीव दिस। एक कुत्ते का नाम एंटरटेनमेंट। कुत्ते का नाम क्या है वो तेरे लिए शॉकिंग है, लेकिन वो मेरे 3,000 करोड़ खा गया वो तेरे लिए शॉकिंग नहीं है। सॉरी यार, सोलो कुत्ता। वैसे एक बात बता, ये कुत्ता है कि कुत्ती? एक काम कर, तू एक पत्थर ले और उसको मार। अगर वो भागा तो कुत्ता, अगर वो भागी तो कुत्ती। अबे कुत्ता हो या कुत्ती हो, लेकिन मेरी हड्डी तो छीन ली उसने। सॉरी सॉरी, मैं समझ सकता हूँ कि मैं क्या क्या पूछ रहा हूँ तुझसे। देख देख अखिल, तू ऐसे पंकज उदास होकर मत बैठा। यू प्लीज डाइवर्ट योर माइंड फ्रॉम दिस कुत्ता। इस कुत्ते को भूल जा। हाँ देख, तूने कल से कुछ खाया भी नहीं होगा यार। तू कुछ खा ले, तू हॉट डॉग खाएगा। एंटरटेनमेंट बाबा, आपके वर्जिश का वक्त हो चला है, आइए चढ़िए। अरे भाई, दुनिया के सारे मिल बंद हो चुके हैं, एक ही मिल चालू है, वो है ट्रेडमिल। प्लीज चढ़ें, चढ़िए बाबा। ये लोकल ट्रेन है क्या जो चढ़ जाएंगे? अरे अखिल भैया नमस्ते। आदाब। हड्डी फ्रॉम चड्डी, मैं आपकी मदद करता हूँ। मरहबा, माशाल्लाह, सुभानअल्लाह, ये तो आपने कमाल कर दिया। तो मुझे एंटरटेनमेंट का केयरटेकर बना दीजिए। इसने पापा की आखिरी सांस तक सेवा की। जी, जी, जी। मैं भी बदले में इसकी आखिरी सांस तक इसकी सेवा करूंगा। प्लीज अब प्लीज प्लीज सर, प्लीज नाम मत कहना जरदुल्ला। हबीबुल्ला, पागल है क्या? हबीबुल्ला, सॉरी। ठीक है, आज से तुम हर वक्त इसका ख्याल रखोगे, ठीक है? हबीबुल्ला। Let the war begin. सब कुछ फेस कर दिया। ऑन कर, ऑन कर, ऑन कर, ऑन कर। कुतारे, जल्दी कर, जल्दी कर, जल्दी कर, निकल निकल यहाँ से। इस कुत्ते को करंट नहीं लगा। चेक कर। ठीक तो है तू?
नीकू, कैसे मरेगा सारा ये? मैं बचाऊंगा तुझे, अखिल मेरे दोस्त। साले पहले क्लोरोफॉर्म सुगाएंगे उसके बाद बांधेंगे कि पहले बांधेंगे उसके बाद क्लोरोफॉर्म सुगाएंगे? गया 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 गया, जल्दी बांध जल्दी बांध। अब गिरेगा ये। 3,000 करोड़ अपने। चल उठा 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 उठा, उठा, उठा। जुगनू छत पे छोड़ देते इसको। हाँ, एक बार गिरा फिर इसके अनुपम खैर नहीं। छोड़ूंगा नहीं तुझे साले। कुत्ते को भूख लगी है। डाल दे, डाल दे, अरे पूरा डाल दे। कुत्ते की मौत मार रहा है। पीजी हजूर एंटरटेनमेंट पी लेना। एंटरटेनमेंट भूख लगी फिर से बच के जाना है। मेरी लेट हो गई। ए जहरीला, ए अभी बोल ला। नहीं नहीं, देखो खाने के टाइम पे कभी किसी इसकी धड़कने खत्म। अबे कुछ कर, अबे फांसी हो जाएगी, कुछ कर। क्या करूं? अबे उठ, ये ले खेल, ये ले बचा ले इसको। क्या? ये ले ये ले। अरे हाँ, इसको शॉक देते हैं। कैसे भी बचा इसको। अबे ये तो स्त्री है। साले तूने स्त्री थमा दिया मुझे। इस कुत्ते एंटरटेनमेंट ने हमारा खून पी लिया है। साले पन्ना लाल, किसने बोला था तुझे ऐसे कुत्ते को अर्जुन राम पालने को? हट। ए इधर ला, इसके साथ ये दोनों कौन है? वेरी गुड भैया। अर्जुन आ जा। अरे पुलिस खुले हैं भैया। एक एक मिनट करन भैया।
वाह अखिल बेटा वाह, ये तो मेंशन करना ही पड़ेगा कि क्या मेंशन है, क्या माल है, कमाल की जगह है। बहुत खर्चा हुआ है ना? क्या, अरे एंटिक पंखा भी है। ये मेल है कि फीमेल? मेल फीमेल। अब मेरा मतलब बजाज का है कि उषा का? बहरहाल इस घर के मालिक यहाँ से 3 घंटे की दूरी पर अपनी पसंदीदा जगह स्नो व्हाइट एरिना गए हैं, क्योंकि वहीं पे बर्फ गिरती है ना। अच्छा अच्छा, वैसे क्या लेंगे आप? पीऊंगा वो भी नीट। पानी तो लेते हैं? अरे नहीं नहीं, बेटी का ससुराल है, पानी पीना हराम है। मैं अपनी बेटी का रिश्ता इस घर के वारिस से जोड़ना चाहूंगा। इस घर के वारिस? जी। आपकी बेटी के साथ? जी। अरे वो तो एंटर। हाँ, एंटर हो चुका है इसके दिल में। अरे वो तो जान वो वही जान वारते हैं एक दूसरे पर। अरे तू भी तो कुछ बोल, कितना भोगती है सीरियल में ये भोगती है? हाँ, कुछ तो कर। रेडी? अब देखिए एक्शन। अंक बालाजी की कसम, हम दो जिसमें एक जान है। क्या बात है, उन्हीं से मेरा सवेरा, मेरी हर एक शाम है। बहुत अच्छा, उन्हीं के चरणों में दम 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 मेरे चारों धाम। क्या बात है, उनके भी चार पैर हैं, मगर ये कैसे मुमकिन है? तू भोगी? मैं नहीं, शायद वहां से। देखा किस तरह लैला मजनू की तरह एक दूसरे को देख रहे हैं। अंकल यह सर लव एट फर्स्ट साइट का है। मसलन लव एट फर्स्ट बाइट का है। ठीक है भाई, हो गया ओके। आओ भाई आओ, अपने होने वाले ससुर जी के पैर छुलो। आओ आओ आओ, अपने होने वाले ससुर के पैर छुलो। आओ जमाई बाबू। अरे मैं खड़े क्यों? आओ। ये क्या है? क्या क्या है? क्या क्या नहीं, ये क्या है? आपका जमाई है जी। तीन 3000 करोड़ का मालिक पन्नलाल जौहरी का इकलौता वारिस एंटरटेनमेंट। मतलब पन्नलाल जौहरी ने 3000 करोड़ रुपए इस कुत्ते के नाम करके मर गया? हाँ। ये पापा, पापा एक सेकंड बात तो सुनिए। पापा जी, अंकल जी मेरी बात सुनिए, मुझे एक और मौका दीजिए, मैं आपकी बेटी को बहुत खुश रखूंगा। एक मौका दीजिए, मैं अमीर बन जाऊंगा, मैं आपसे वादा करता हूँ। प्लीज मेरी बात सुनिए, मेरा वक्त बदल जाएगा। तेरा वक्त कभी नहीं बदलेगा, बैठो अंदर। तू कंगाल का कंगाल ही रहेगा। पन्नालाल जौहरी का बेटा होकर क्या फायदा? तू डिसअपॉइंटमेंट निकला और जायदाद का असली वारिस वो कुत्ता एंटरटेनमेंट निकला। अंकल जी मेरी बात सुनिए। अखिल लोखंडे, तू साक्षी को हमेशा के लिए भूल जा। संजय लीला भंसाली, मतलब मेरे 3 लॉयर्स के नाम, मिस्टर संजय, मिस लीला और मिस्टर भंसाली। बेचारे पिछले कई दिनों से हमारे लिए कोर्ट कचेरी के चक्कर में लगे हैं। कोर्ट कचेरी? हाँ, फिल्में 3 बजे से चलती हैं और आजकल हमारा केस भी 3 बजे से चल रहा है। एंटरटेनमेंट। मतलब कि आप भूल रहे हैं कि बहुत साल पहले पन्नालाल जौहरी साहब ने एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी खोली थी जिसका नाम था दी एंटरटेनमेंट कंपनी।
सही फरमाया आपने, लेकिन अपने लाडले एंटरटेनमेंट के नाम पर। लेकिन उस कंपनी के मेन शेयर होल्डर्स पन्नालाल जौहरी ने उनके सेकंड कजिन्स यानी हमें बनाया था। मगर रिश्ते के आड़ में आप लोगों ने क्या किया? जालसाजी? पन्नालाल जौहरी ने आपको रंगे हाथों पकड़ा और काम से बर्खास्त भी किया। अच्छा अर्जुन, हमें तो कोई टर्मिनेशन ऑर्डर नहीं मिला। बिल्कुल नहीं। तो कितना क्या क्या साबित करना चाहते हैं आप? यही कि उस एंटरटेनमेंट कंपनी के एग्जिस्टिंग ओनर्स हम लोग हैं, और मिस्टर पन्नालाल जौहरी के विल के मुताबिक। वैसे मैं आपसे बात क्यों कर रहा हूँ? मिस लिया, आपके पास उस विल की कॉपी होगी, जरा पढ़ के सुनाइए प्लीज। मैं पन्नालाल जौहरी अपने पूरे होशो हवास में अपनी सारी जायदाद, प्रॉपर्टीज और बैंक बैलेंस एंटरटेनमेंट के नाम करता हूँ। यस, एंटरटेनमेंट कंपनी हमारे नाम पे है और ये दौलत एंटरटेनमेंट के नाम पे। सो 3,000 करोड़ का मालिक ये कुत्ता नहीं बल्कि उस कंपनी का मालिक है जिसका नाम है एंटरटेनमेंट। एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट। लेकिन विल में एंटरटेनमेंट यानी कंपनी नहीं, उसका वफादार, उसका ताबेदार ये कुत्ता। लेकिन योर ऑनर, विल में कहीं भी कुत्ते शब्द का उपयोग या उच्चारण नहीं है। उसकी वजह यह है कि उन्होंने कभी इनको कुत्ता नहीं समझा था। कोर्ट इमोशंस नहीं, फैक्ट्स में बिलीव करता है मिस्टर ड्रैकुला। ए, अभी बोल ले। और सुन, अगर एंटरटेनमेंट के साथ में कुत्ता नहीं लिखा हुआ है तो एंटरटेनमेंट के साथ में कंपनी भी कहां लिखा हुआ है? वेरी स्मार्ट। और आप नहीं, हमारे लॉयर्स की कंपनी में कोर्ट फैसला करेगा और ये भी साबित करेगा कि कौन कमीना है और कौन सड़क का कुत्ता। After analyzing all the views, debates and all the legal procedures, the court is passing the judgment in favor of Karan. पन्नालाल जौहरी की दौलत इन दो कमीनों को कैसे हुआ? कैसे हुआ? हम बताते हैं। वो क्या है? इस शहर में अच्छा वकील कानून जानता है और बहुत अच्छा वकील जज को जानता है। 1500 मेरे। और हाँ एंटरटेनमेंट, हम सब तेरे साथ हैं। अरे तू बस देखता जा। हमें सबसे पहले करण अर्जुन की एकता कपूर को तोड़ना होगा, इससे उनकी शक्ति कपूर खुद ब खुद खत्म हो जाएगी, और फिर उन्हीं के मुंह से उनके कान डुगलवा कर हम उन्हें मनोज बाज पाई पाई का मोहताज बना देंगे। क्या बोलता है? माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या कहने। लेकिन इन दोनों भाइयों को अलग करना बहुत मुश्किल है। वैसे इसकी फिक्र मत कीजिए हबीब उल्लाह साहब, हम भी वही काम करेंगे जो अंग्रेज हम हिंदुस्तानियों के साथ करते आए हैं। डिवाइड एंड रूल। अब हम सब कुत्ते मिलकर उन दो कमीनों का खून पिएंगे। ए भैया संभल के। एंटरटेनमेंट लगता है बदला लेने आया है। बदला? बदला लेगा? कैसा लेगा तू? रजनीकांत की तरह करेगा या फिर स्पाइडरमैन की तरह? एक कुत्ता हमारा क्या बिगाड़ सकता है? ये क्या बिगाड़ेगा? मैं अभी इसका बिगाड़ दूंगा गाड़ी से उड़ा के। चल ए भैया, मैं उड़ाऊंगा इसको। अरे मैं उड़ाऊंगा यार, बड़ा हूँ। मैं छोटा हूँ ना भैया। यार तू समझता क्यों नहीं है, ये कुत्ता है यार। उड़ाते कुत्ते को उड़ाते बच्चे नहीं लगते। मुझे यही उड़ाना है उसको। भैया आप मुझे प्यार करते हो या नहीं करते? अरे कुत्ते को उड़ाने में प्यार कहाँ है। साइड एंटरटेनमेंट, पहले मैं भी इन दोनों को गलत समझता था, लेकिन बैंकॉक के कोर्ट ने मेरी आंखें खोल दी।
और मुझे बता दिया कि मेरे पिताजी ने जो 3,000 करोड़ की विल बनाई थी वो सारा का सारा माल इनका है, ना कि तेरा। किसी को कुछ बोलना है तो अभी बोले। अब बुलडॉग, काम कुत्तों वाले लेकिन नाम किसी और जानवर का, बुल। तू क्या गुर्रा रहा है? हाँ पग, तेरे पैरों में ना घुंघरू बांध के शकीरा की तरह नचा दूंगा, समझे? और तू जर्मन शेफर्ड, कभी तेरा बाप भी जर्मनी गया था क्या? और तू बॉक्सर, कभी तेरे चाचा ने भी ग्लव्स पहने थे क्या बॉक्सिंग के? सेंट बर्नार्ड, साले अगर तेरी जैसी मेरी शक्ल होती ना तो मैं अपने माँ बाप पे केस कर चुका होता। अब इसके बाद किसी ने माँ का दूध पिया तो आए मेरे सामने। अरे तू क्या कर रहा? जाना यहाँ से। जब अबे मोबाइल टावर बुलाया था, ये सिम कार्ड कहाँ से आ गया? देख, मेरे को मजाक पसंद नहीं है, ये छोटे मोटे पिंडू से मेरा कुछ होने नहीं वाला है। आ जाओ, किसमें दम है? सेठ जी पीछे हट जाओ, वो लोग अटैक करने वाले हैं। सेठ जी खिलाड़ी निकला यार तू। थैंक यू, थैंक यू। बस सेठ जी एक काम करो, आप गाड़ी लेके निकलो, अभी निकलो, अभी जल्दी करो। चल निकल। सेठ जी आप दोनों जंगल में जाओ, मैं लोगों से निपटता हूँ। चिल्ला क्यों रहे हो? ओ माय डॉग, आप मौत के मुंह में नहीं सर जी, उसके मुंह में आपकी मौत है। क्या करूं? रिवर्स साइकोलॉजी। सेठ जी वो चाहता है कि आप रो, आप हंसो सेठ जी, हंसो, इससे पहले कि आपका फ्यूज उड़ जाए। कंफ्यूज द डॉग, सेठ जी द बॉल इज इन हिज कोर्ट। बचाओ! ओ माय गॉड! ओ माय डॉग! हम दोनों को बचाओ, दोनों को। आइडिया सेठ जी। अरे कहां गया तू? सेठ जी फिकर मत करो, साले को मैंने पकड़ लिया है, इन कुत्तों के सरदार को। अबे ओ, चल भगा अपने दोस्तों को, बोल यहां से निकल जाने को, जोर से बोल। काट मुझे, चुटमुट का काट। काट लिया। अरे क्या बात है यार, तूने उस कुत्ते की तो जान ही ले ली थी। सेठ जी सिगरेट है क्या जो जान ले ली थी? मतलब एक एक का पत्ता काट दिया। अरे पान वाला हूँ क्या जो पत्ता काट दिया? अरे मतलब हमें बचाकर तूने हमारा दिल लूट लिया। अरे गवर्नमेंट हूँ क्या जो लूट लिया? अच्छा फायर के साथ सटायर भी, बट ब्रेव मैन, ब्रेव मैन। अच्छा सेठ जी आप लोग अपना ध्यान रखना, खास करके उन कुत्तों का। आज 100 के तादाद में आए, कल 200 भी आ सकते हैं। ये देखिए क्या जोर से काटा है। बता, छोड़िए ना सेठ जी। अरे बता, देखिए क्या करोगे सेठ जी। अच्छा अच्छा, ये अर्जुन ये ठीक कह रहा है भैया, इसे काम पे रख ले क्या? रख लेते, मजा आएगा। 3,000 करोड़ का असली मालिक हमारा नौकर बनके हमारे तलवे चाटेगा और हमारे रखवाले भी करेगा। आम के आम, गुटलियों के दाम। गुटलियों का नाम मत लो भैया। सॉरी, ये कहाँ गया है? आए क्या उन लोग? सुनो, हमारे यहाँ काम करेगा ड्राइवर, काम बोरिगा, कम वॉचमैन, काम। इतना आप लोग कम कर रहे हैं तो मैं आ ही जाता हूँ सेठ जी,
मेड इन थाईलैंड बैंग इन थायरों केप कम सिप सिप ना बाने बोने वो थाई मानस इसको मेड इन थाईलैंड बैंग इन थायरों साहब जी ये सांडे का तेल खत्म हो गया मैं अभी लेके आता हूँ जल्दी हेलो साक्षी अखिल कहाँ हो तुम बैंकॉक में हैं किसकी कोक में बैंकॉक में हूँ अच्छा बैंकॉक में हो तुम अखिल पापा यहाँ मेरे लिए एनआरआई लड़कों की रिश्ते ढूंढ रहे हैं उनकी टूरिस्ट वीजा की 2 महीने बाकी है ना कैसा बाप पैदा किया तुमने अरे तुम जी पापा साक्षी सुन मैंने तेरे लिए एक एनआरआई लड़का ढूंढ लिया है बस उसके दोनों हाथ पैर नहीं है कभी कभी उसे मॉल शॉल में इस थैली में लेकर जाना पड़ेगा पापा अबे सांडे का तेल क्या सांड से निकालने गया किधर अबे अखिल मैं भर के ले आया आप लोग बोर मत हो ये लो मैं टीवी भी चालू कर देता हूँ वाह भारतीय नारी मन में लज्जा तन पे सारी क्या बोर कर रहा है बे इसे कहते हैं मस्त चिकन वन पीस आइटम इन टू पीस बिकनी ये जो तमीज साड़ी और सलवार कमीज में होती है ये तेरी बिकनी में कहाँ है सुना है वो गाना सुना है चुनरी लेके सोती थी कमाल लगती साहब जी सही बोल रहे साहब जी अरे सिर्फ चुनरी लेके सोती थी इसीलिए कमाल लगती थी साहब जी छोटे साहब जी भी सही बोल रहे ए, माथे पे बिंदिया आंखों में काजल ये होती है लड़की पागल अरे लड़की वो होती है जिसके पास न स्लिप हो न कवर हो सिर्फ लॉन्ग लेग हो शट अप संस्कृति सभ्यता संस्कार सेक्सी सेडक्टिव सेंसुअलिटी लड़की ऐसी होनी चाहिए उसमें तेरी माँ दिखनी चाहिए डिवाइड एंड रूल का आइडिया मिल गया साक्षी को लाना पड़ेगा और उसके लिए उसके बाप को करोड़पति दामाद दिलाना पड़ेगा बेटी आखिर में करोड़पति दामाद मिले क्या या? तुम्हारी एजुकेशन बीकॉम मैं बीकॉम हूँ अरे कौन से बीकॉम के हो पढ़े लिखे हो कि नहीं जी 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 साक्षी जी आपका फेवरेट कलर क्या है येलो मतलब पीला बेटी तब तो इनके दांत तुम्हें बहुत पसंद आएंगे बेटा जरा अपना दांत दिखाओ पापा इसमें 3-3 नेगेटिव क्वालिटीज है स्मोक करता है दारू पीता है चूहा खेलता है एक्सक्यूज मी मुझ में कुछ पॉजिटिव भी है बताओ 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 मैं पॉजिटिव हूँ शपथ ली थी पहले करोड़पति फिर हमारी साक्षी का पति तू करोड़पति मालदार तो कुत्ता है तू कैसे मालदार हो गया ए, वो क्या है ना कि एंटरटेनमेंट ने अपनी सारी जायदाद अखिल जौहरी के नाम लिख कर सॉरी सर उसे आमिर खान बना दिया है कैसे हिंगा लगा के बताइए हबीबुल्ला साहब जरा दिखाए इन्हें दिखाओ दिखाओ हाँ जी ये देखिए जो हुआ वो हुआ जरा मुझे भी दिखाओ पापा ये सच है मेरी सैया मेरी बैया थामने अपनी हाईफाई नैया में आए स्टार प्लस चुप कर अरे ओ जमीला ए हबीबुल्ला अरे हाँ भाई हबीबुल्ला ये बताओ इस कुत्ते को क्या पागल कुत्ते ने काटा है कि जायदाद इसके नाम कर दी एंटरटेनमेंट का कहना है कि मालिक का बेटा नौकर कैसे हो सकता है अच्छा इसने इस कुत्ते ने आपको बोला ऐसे मतलब मुंह से बोला तो आप कहां से बोलते हैं मुझे मालूम था आप ये सब चीजों पे विश्वास नहीं करेंगे ये कुत्ता बोलता है देखो एंटरटेनमेंट इनको बताओ आज स्टॉक मार्केट में क्या बढ़ गया देखा भाव बढ़ गया गुजरात का एक नगर कौन सा है देखा भावनगर कौन सी चीज में अंतर नहीं होना चाहिए भेद देखा भेदभाव भौकवास बंद करो
आप लोगों ने क्या इनको पागल समझ रखा है कि ये ऐसे भाव भाव सुना के और कुत्ते के ये निशान दिखा के आप मेरी साक्षी मतलब इनकी साक्षी को उड़ा ले जाओगे और ये मान जाएंगे है? अरे मानेंगे कैसे नहीं भाई, मैं तो गले लगूंगा। इस कुत्ते ने इसे माला मान कर दिया। अखिल साक्षी तेरी और तू हट। बेटा जी, ये है एंगेजमेंट रिंग। हीरा हीरा तू लगवा लेना। राजा को बमनी रानी मिल गई, मुझे साक्षी मिल गई। करण अर्जुन, तुम लोग का आइडिया बुरा नहीं है, लेकिन आई थिंक लेकिन लेकिन कुछ नहीं भाभी, हमें बस आपकी डेट्स चाहिए। और प्लीज हमें नाना पाटेकर मत कहना, क्योंकि अब आप ही हमारी आशा भोसले हैं। वो क्या है ना कि अब सुभाष घाई घाई में आपको अपना करिश्मा कपूर तो दिखाना ही पड़ेगा, वरना हम सबकी माँ झगड़ो दूरी हो जाएगी यार। अरे मेरी बात तो सुनो, करण और अर्जुन के बीच में दीवार पैदा करने के लिए मैं तुम लोगों की मदद करूंगी। अरे क्या बात है। और एंटरटेनमेंट को उसका हक भी दिलाऊंगी। पता है क्यों? ये जो यहाँ खड़े है ना, मेरी जान है और तुमने इनकी जान बचाई। थैंक यू। बस सब देखते जाओ, मैं तुम लोगों की तमन्ना कैसे पूरी करती हूँ। अब सावित्री बन के करण को और सोनिया बन के अर्जुन को अलग करूंगी। खा बालाजी की कसम। बालाजी की कसम। ए, मेरी बेबी। तेरी माहिमा आप रंपार, रे प्यार में उड़ रहा हूँ। फस गए, बस गए हमारे सेठ जी, बस गए। कौन है वो? खुशकिस्मत। खुश भी मैं हूँ और किस्मत भी मेरी अच्छी है। You know, I'm in love with my 36, 24, 36. I love you, Sonia! Sonia! नहीं, कसम से। और वो आने भी वाली है। उसको अपने दिल की बात बता दो सेठ जी। सच कहा तूने जी, आज मेरे दिल की बात बता दूंगा। Evelyn! सेठ जी, सेठ जी, ये क्या हो गया? उत्तरायण वाली ने सारे कपड़े उतार दिए, घर घर की कहानी वल्गर की रानी हो गई है। न्यू बॉर्न बेबी के आउटफिट में आई है सेठ जी। देखो सेठ जी, सेठ जी आपको मेरी कसम है, देखो। अबे मैं जानती थी मुझे इन कपड़ों में देखकर आपका मुंह खुला का खुला रह जाएगा। मुंह बंद करिए सेठ जी। सेठ जी सारे देश के कपड़े ओढ़ कर आ गई है, नंगा पर्वत पर इतनी बर्फबारी। सेठ जी मैं किसी और से प्यार करती हूँ, और वो है जिसने सर से पांव तक मुझे फैशन दिया है, और वो है जो जानता था कि आपका और मेरा कनेक्शन है, फिर भी मुझे लव की नई डेफिनेशन दे गया। कौन है वो? आपका भाई। सेठ जी एक भाई ने भाई को धोखा दिया। सेठ जी एक भाई ने भाई को धोखा दिया। करण अर्जुन, अब क्या बोलेगा तू, क्या बातचीत करेगा तू? करेक्ट, बात तो सिर्फ मैं ही करता था, आप तो सिर्फ चीट करते थे। चीट? बड़े की बेइज्जती शुरू। भूल मत, जब तू माँ की थैली में था मैं क्लास पहली में था। एक मिनट, जब मैं पांचवी में था तभी भी आप पहली में थे। तो क्या? लेकिन तेरा ख्याल रखने में सबसे पहले मैं था। याद कर, जब माँ भूतों की कहानी सुनाती थी तो डरता था, तो तेरा हाथ कौन थामता था? आप, क्योंकि आपकी भी भूतों से फटती थी इसीलिए आप मेरा हाथ थामते थे। इज्जत उछालने में एक्सपर्ट है तू, अब मेरी इज्जत पे हाथ डालो तूने। अभी आप मेरे डायलॉग पे हाथ मार रहे हो, मेरी इज्जत पे हाथ तो आपने मारा। अर्जुन मेरा हाथ उठाने में डबल माइंड कर रहा। अबे जा, जिसके पास सिंगल माइंड नहीं वो क्या डबल माइंड करेगा? अर्जुन मार, मार। दोनों के दोनों रेणु का शाहने निकले, क्योंकि जानते हैं ना कि अगर अलग अलग हो गए तो दीपक तिजोरी में से मणिरत्नम का बंटवारा करना पड़ेगा। पहले अलग अलग थे, अब वरुण धवन हो गए हैं वन। अखिल हमारा ये प्लान फ्लॉप हो गया यार, तू कोई नया सोल्यूशन क्यों नहीं निकालता? साइंटिस्ट हूँ,
जो सलूशन निकालूंगा। अरे मतलब कोई रास्ता निकालो। ट्रैफिक हवलदार हूँ जो रास्ता निकालूंगा। कोई तो हल ढूंढ के लाना पड़ेगा ना। किसान हूँ जो हल लेके आऊंगा। नो ये साले एक तो करण अर्जुन भी ना कमाल के हैं। कभी माँ का गाना पता नहीं कहाँ से आ जाता है, कभी माँ की भूत की कहानियां। एक मिनट भूत की फिल्म है, मेरी फट रही है। भूत भूत हाँ मैंने कई बार देखा और सुना भी है। ये करण अर्जुन लोग ना इन दोनों की भूतों से बहुत फटती है। अच्छा हाँ इनके बीच लड़की नहीं अब भूत लाएंगे। लेकिन उन्हें डराने के लिए कोई भूत कोई रूह कोई आत्मा कोई लाश तो हो हमारे पास। लाश है ना किसकी? सेठ जी मैं बताओ इनको मैं हूँ ये आपका नौकर। सही कहते हैं कि पालतू जानवर को मारते ही उनकी आत्मा सब जगह भटकने लगती है। हट मैं भी ऐसे ही थूकता था। हट हट लेकिन नहीं सेठ जी मेरे दोस्त बिल्ला के साथ जो हुआ है तौबा जम्बे बस। बिल्ला के साथ क्या हुआ? कुछ नहीं सेठ जी बोल ना। कुछ नहीं नहीं बोल ना। नहीं छोड़ो भैया सुनो यार एक बार मेरे दोस्त बिल्ला ने अमावस की रात में एक बिल्ली मार दी। बिल्ला ने बिल्ली मार दी? हाँ जिस दिन हत्या हुई थी उसी रात को बिल्ला अपने रॉकिंग चेयर पे आराम से बैठा हुआ था और वो चेयर ये चेयर इतना आवाज क्यों कर रही है? सेकंड हैंड थी ना सेठ जी। अंगन की काली रात में काली डाल पे काला कौवा जोर जोर से किलकारी लगाने लग गया। और फिर बिल्ला के रूम में उसका दरवाजा खुलने लगा। ये दरवाजा इतनी देर तक क्यों खुल रहा है? स्लो मोशन में खुल रहा है सेठ जी। स्लो मोशन में खुल रहा है। स्लो मोशन। और दरवाजा खुलते ही बिल्ला के सामने बिल्ली आ गई। बिल्ली की मुंडी बिल्ली के हाथ में थी और वो बड़े प्यार से बोल रही थी। क्या बोली? अबे जोर से बोलना। बिल्ला ने कुछ बोला? बिल्ला चिल्लाया कि बिल्ली तो मैंने मार दी थी लेकिन बिल्ली बोली सुहाग रात है क्या जो तूने बिल्ली मार दी है? ये सुनकर बिल्ला का मुंह खुला रह गया। जैसे आप लोगों का मुंह खुला है वैसे ही वो बिल्ली बिल्ला के मुंह के अंदर घुस गई और वहां से निकली जहां से आप लोगों की पट रही है।